हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 का लेसन नंबर 2, कबूतर की चतुराई। सीधे ही पाठ में नहीं जाते हैं, पहले हम अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली इस पूरे लेसन में ये बताया गया है कि जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमें ही कितना नुकसान पहुँचा रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने लेसन से। राजा ने अपने आराम के लिए जंगल में एक महल बनवाया था। महल अब बहुत पुराना हो चुका था, उसके अब कुछ खंडहर ही बचे थे। महल के खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते थे। जब वे सारे कबूतर एक साथ आसमान में उड़ते थे तो उन्हें देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राजा है वो अपने आराम के लिए उन्होंने जंगल में क्या किया था, एक महल बनवाया था। महल तो सभी जानते हैं कि महल किसे कहते हैं, राइट। तो महल अब जो है वो बहुत ही पुराना हो गया था, तो वो इतना पुराना हो गया कि अब उसके कुछ खंडहर ही बचे हैं, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसके कुछ पार्ट ही बचे हैं। ओके, खंडहर ही बचे थे। महल के खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते थे, तो वहाँ अब कौन रहने लगा, इंसानों की जगह कबूतर रहने लगे, क्योंकि वो बहुत पुराना था और उसके कुछ पार्ट्स ही थे, तो ना कोई आने जाने वाला है न कोई बात। तो वहाँ जब पक्षियों को जहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपना डेरा बना लेते हैं, है ना। सो जब वे सारे कबूतर एक साथ आसमान में उड़ते थे तो उन्हें देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। तो यहाँ पर हमें लेखक ये कह रहे हैं कि जब भी वो सारे कबूतर जो खंडहर में रह रहे थे, वो सारे कबूतर जब भी आसमान में उड़ते थे तो उन्हें देखकर उनके मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। ठीक है, इन सभी कबूतरों में एक कबूतर सफ़ेद रंग का था, उसकी चोंच और पंजे नीले रंग के थे। सभी कबूतर उसे राजा मानते थे। जब वो उड़ता था तो वह महल के पीछे बहती नदी के पानी में अपनी सूरत देखकर खुश हो जाता था। देखिए अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये जो सारे कबूतर ये सारे कबूतर जो थे वो सारे ग्रे कलर के होते थे। उनमें से एक कबूतर था जो वाइट रंग का था। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया, ये एक कबूतर था जो वाइट रंग का था, जिसकी चोंच और उसके पंजे, ओके, क्लॉज, ये जो दो चीज़ें हैं ये इसकी नीले रंग की थी, ओके, मतलब ब्लू रंग की। और सभी कबूतर उसे राजा मानते थे, इसे राजा मानते थे। जब वह उड़ता था तो वह महल के पीछे बहती नदी के पानी में अपनी सूरत देखकर खुश हो जाता था। तो क्या बताया जा रहा है इस कबूतर के बारे में कि जब भी वह उड़ता था तो महल के पीछे एक नदी थी, जैसे यहाँ नदी दिखाई जा रही है, इस नदी में वो अपने आप को देखता था और बहुत ही खुश होता था, मतलब ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि अरे वाह मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, ईश्वर ने मुझे इन सबसे अलग और सुंदर बनाया है तो मुझे कुछ अलग भी करना चाहिए, ऐसा वह हमेशा सोचता था। जंगल में एक दिन सभी कबूतरों की सभा हो रही थी, लेकिन कबूतरों का मुखिया कुछ ज़्यादा ही चिंतित था। सभी कबूतर आपस में अपनी अपनी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि आजकल पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं, जब हम दाना चुगने जाते हैं तो शिकारी या शैतान बच्चे गुलेल से हम पर निशाना साधते हैं, हमें दाने की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है, बाज का डर भी अलग से बना रहता है। सभी कबूतरों ने अपना अपना सुझाव दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अब ये जो कबूतर है ये इस पानी में अपने आप को देखकर खुद की सराहना खुद ही कर रहा है। ओके, वो क्या कह रहा है कि ईश्वर ने जब मुझे इन सबसे अलग बनाया है, सुंदर बनाया है, तो मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इन सबसे अलग हो, ऐसा वो हमेशा सोचता था जब भी वो अपने आप को देखता था। तो जंगल में एक दिन क्या हो रहा था, जंगल में एक दिन हो रहा था कि इन सभी कबूतरों की सभा हो रही थी, सभा माने मीटिंग, ओके, इन सभी कबूतरों की मीटिंग हो रही थी, लेकिन कबूतरों का जो मुखिया है, उनका जो राजा है, वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में था, चिंतित था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, और सभी कबूतर आपस में अपनी अपनी बात पर विचार विमर्श माने अपने किसी भी बात के ऊपर एक डिस्कशन कर रहे थे। सभी कबूतर जो है अपनी अपनी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल जो है पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं, जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग्स हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जब भी ये कबूतर दाना चुगने आते हैं तो शिकारी क्या करता है, शिकारी या फिर जो शैतान बच्चे होते हैं वो गुलेल से इन पर निशाना साधते हैं,
मतलब निशाना लगाकर इनको मारते हैं और दाने की खोज में दूर दूर तक इनको जाना पड़ता है। जो दाना उनको जल्दी से वहीं कहीं आसपास में मिल जाता था, अब वो इतना इजीली नहीं मिल पाता है। और इनको बाज का भी डर अलग से बना रहता है। सभी कबूतरों ने अपना अपना सुझाव दिया। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसमें फिर क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। देखिए और ये रहा इनका कबूतरों का राजा, ये इन सब की बातें सुन रहा है। आगे देखते हैं, क्यों ना हम अपना ठिकाना बदल लें, यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। हम सब जंगल के भीतर चले जाते हैं जहाँ किसी की नज़र ही ना पड़े, एक कबूतर बोला। तो अब इन सारे कबूतरों में से एक कबूतर क्या कहता है कि क्यों ना हम यहाँ से चले जाते हैं, ठिकाना यानी कि अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, अब हम डेरा कहीं और डाल लेते हैं, क्योंकि जंगल के हम सब जंगल के भीतर चले जाते हैं जहाँ किसी की नज़र ही ना पड़े, क्योंकि ये लोग पेड़ों में छुप कर रहते हैं। इस तरीके से एक कबूतर ने बोला। तो अब हम सभी यहाँ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डर कर अपना घर छोड़ देना, यह भी तो कोई बात नहीं हुई, मुखिया बोला। ये सारे लाइंस किसने बोले? जब पहले कबूतर ने बोला कि हमें अपना ठिकाना रहने की जगह बदल लेनी चाहिए, जंगल घने जंगल के अंदर चले जाना चाहिए, तब कबूतर का मुखिया बोलता है कि हम सब यहाँ पर एकजुट होकर, जैसे कि हमारा हाथ है, हम 5 fingers को एक साथ मिलाते हैं तब हमारी मुट्ठी बनती है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आते हैं। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो सब हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जब भी प्रॉब्लम आती है यू विल थिंक ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, राइट। तो इसी तरीके से मुखिया भी इनको समझा रहे हैं कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अपनी सहायता खुद कभी नहीं कर पाओगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डर कर अपना घर हम क्यों छोड़ें, घर छोड़ना यह भी तो कोई बात नहीं हुई, इस तरीके से मुखिया उन सभी को बोल रहा है। देखिए मुखिया का कहना भी ठीक था, हम सब कब तक डर कर भागेंगे। सफ़ेद कबूतर सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह सोचने लगा, मैं तो इन सबसे अलग और सुंदर हूँ, सबसे पहले शिकारी मुझे मारेगा, सभी बच्चे तो मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं, मैं ही यहाँ से दूर चला जाता हूँ। देखिए तो जब मुखिया ने बोला तो अब इस पर लेखक बता रहे हैं कि मुखिया का कहना भी जो है वो ठीक था, तो कब तक ये सारे डर कर भागेंगे। देखिए कबूतर भी कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि हम सब कब तक डर कर भागेंगे। ये सारी कन्वर्सेशन कौन सुन रहा है? ये जो वाइट कबूतर है ये सुन रहा है कि ये लोग आपस में बोल रहे हैं हाँ मुखिया का कहना भी ठीक है कि हम सब कब तक क्यों डर कर भागेंगे, चलो हम सब कुछ और सोचते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद कबूतर है अब इसको अपनी ब्यूटी पर ना प्राउड है, तो ये अपनी उसी चीज़ को सोचता है कि अरे चलो इनको यहीं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो इन सबसे अलग हूँ और सुंदर भी हूँ। तो कोई भी शिकारी आता है, पहले तो बच्चों ने मुझे परेशान कर ही रखा है, और कोई भी शिकारी आएगा तो सबसे पहले मेरा शिकार करेगा। ओके तो मैं ही यहाँ से दूर चला जाता हूँ, कौन सोच रहा है? ये सफ़ेद कबूतर सोच रहा है। ओके उसने निर्णय लिया और वह सबकी नज़र बचाकर दूर आसमान में उड़ गया। उसने ये डिसीजन लिया और वो उड़कर चला गया। उस अब वह कबूतर उड़ते उड़ते एक बड़े से शहर में जा पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर चील का घर था। थोड़ी देर में चील वहां आकर बैठ गई। चील ने देखा कि एक कबूतर उसके पेड़ पर बैठा हुआ है। चील बोली, ए कबूतर तू इस पेड़ पर कैसे आ बैठा? जानता नहीं, इस पेड़ की स्वामिनी मैं हूँ, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई नहीं बैठता। कबूतर मन में सोचने लगा, पेड़ों पर तो बहुत से पक्षियों का बसेरा होता है। तभी चील गुस्से में बोली, तुम जाते हो या नहीं यहाँ से, वरना मैं दूसरी चीलों को बुलाऊं। कबूतर घबरा गया और डरकर वहाँ से उड़ गया। देखिए तो इसने जैसे ही डिसीजन लिया कि मैं सबसे दूर चला जाता हूँ, तो ये सबसे नज़र बचाकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते अब क्या हुआ, वह भी थक गया। तो उड़ते उड़ते उसने क्या किया, वो पहुंच गया एक बड़ी सी सिटी में। ओके शहर यानी कि सिटी में वो पहुंच गया और सिटी में पहुंचकर वो एक पेड़ पर बैठ गया, बैठकर आराम करने लगा। अब वो उसका बैड लक था कि उस पेड़ पर किसका घर था, चील का। ओके
चील का घर था तो थोड़ी देर में चील वहाँ आकर बैठ गई और चील ने कबूतर को देखकर उससे पूछा कि ए कबूतर, तू इस पेड़ पर कैसे आ बैठा, तू इस पेड़ पर कैसे बैठ गया? जानता नहीं, इस पेड़ की स्वामिनी, स्वामिनी यानी कि ये पेड़ मेरा है, जैसे कि कहते हैं ना घर मालिक मैं हूँ, वैसे ये कहता है कि इस पेड़ की स्वामिनी मैं हूँ, मेरी परमिशन, इजाज़त मतलब परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं बैठता है, अगर यहाँ कोई भी बैठता है तो वो मुझसे पहले परमिशन लेता है। तो इस बात पर कबूतर मन में यह सोचता है कि पेड़ों पर तो बहुत से पक्षियों का बसेरा होता है, इसका तो कोई स्वामिनी नहीं हो सकती, कि कोई मालिक नहीं हो सकता, तो इस पर सभी पक्षियों का बसेरा होता है। तभी चील गुस्से में बोलती है कि तुम जाते हो यहाँ से वरना मैं दूसरी चीलों को बुलाऊँ। तो कबूतर घबरा गया, वो डर गया और वहाँ से उड़ गया। फिर वह उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर में जा पहुँचा। कहाँ पहुँचा है वो? चिड़ियाघर में। उसने देखा कि वहाँ बड़े बड़े शेर, चीते, भालू पिंजरे में बंद थे। कबूतर की तो डर के मारे जान ही निकल गई और वह सोचने लगा इतने सारे जानवर यहाँ पर मुझे भी कोई पिंजरे में ऐसे ही बंद ना कर दे। उसने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। लेकिन कबूतर बहुत परेशान था, उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था, उसे कहीं पानी भी नहीं दिख रहा था। उड़ते उड़ते उसने थोड़ी ही दूरी पर एक नदी देखी। ओके, अब हम इस पैराग्राफ पर वापस जाते हैं। फिर वह उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचा है? एक चिड़ियाघर में जा पहुँचा। ओके, चिड़ियाघर में जा पहुँचा, उसने वहाँ पर क्या देखा? उसने देखा कि बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, चीते, भालू, ये सारे पिंजरे में बंद थे। तो इन सब को देखकर कबूतर की जो है वो डर के मारे जाने निकल गई कि इतने बड़े जानवर होते हुए भी जब पिंजरे में बंद है तो मुझे यहाँ पर कौन छोड़ेगा। तो वो उसने क्या किया, इतने सारे जानवर यहाँ पर, मुझे भी कोई पिंजरे में ऐसे ही बंद ना कर दे। ओके, तो वो इस बात से डर कर उसने क्या निर्णय लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। तब वो वहाँ से उड़ गया। लेकिन कबूतर जो है अभी वो बहुत परेशान था, ठीक है, बहुत परेशान था, उसने उसका गला जो है वो क्या हो रहा है, प्यास से सूखा जा रहा था, तो उसे कहीं पानी भी नहीं दिख रहा था। उड़ते उड़ते उसने क्या किया, थोड़ी ही दूरी पर एक नदी देखी। क्या देखी? एक नदी देखी। लेकिन वह नदी का पानी देखकर हैरान हो गया। ओके, सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। उसने नदी का पानी देखकर वह हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? क्योंकि उस नदी का पानी बहुत गंदा था। ओके, बहुत ही गंदा, जिसे वह पी नहीं सकता था, और उस पानी में उसकी परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा, जंगल का पानी स्वच्छ तो था जिसे हम पी सकते थे, यहाँ के सब लोग इतना गंदा पानी पीते हैं। वह वहाँ से परेशान होकर उड़ गया। ओके, तब उसे उड़ते उड़ते जब एक नदी दिखी तो उस नदी के किनारे गया और उसने देखा, वहाँ पहुँचकर वो हैरान हो गया क्योंकि उस नदी का पानी बहुत ही गंदा था। इस चीज़ का उसने पता कैसे लगाया? जैसे कि वो नदी में अपनी परछाई देखता था पहले। अब वो पशु पक्षी हैं, उनके पास तो अपनी तरफ मिरर होते नहीं हैं कि वो मिरर में अपने आप को देखें, तो वो नदी में अपने आप को देखता था। अब यहाँ हुआ क्या कि वो अपने आप को देख नहीं पाया, धुंधला सा नज़र आ रहा था। इससे उसको पता लग गया कि पानी जो है वो बहुत ही गंदा है। तब वो सोचता था कि ये लोग इतना, मतलब सिटी के लोग जो हैं वो इतना गंदा पानी पीते हैं, हमारे जंगल, इससे तो अच्छा हमारा जंगल ही था जहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा था, स्वच्छ था, जिसे हम पी सकते थे। ओके, अब उड़ते उड़ते एक फैक्ट्री के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा है वो? फैक्ट्री से गुजर रहा था। ओके, अचानक उसकी आंखें और गला खराब होने लगा। उसने देखा कि आसमान काला हो रहा है और वह जैसे जैसे वहाँ से गुजर रहा है वैसे वैसे ही दम घुट रहा है। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ओके, अब यहाँ से तो वो उड़ गया, वो पानी पी नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर पानी गंदा था। अब वो वहाँ से उड़ते उड़ते एक फैक्ट्री के पास से गुजरा। ओके, कहाँ से गुजरा? फैक्ट्री के पास से गुजरा। अचानक उसकी आंखें क्या, आंखें और गला दोनों उसके खराब होने लगे। क्यों खराब होने लगे? उसने क्या देखा? उसने देखा कि आसमान जो है वो काला हो रहा है। क्या हो रहा है? काला हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्ट्री से धुआं आ रहा है ना, काला हो रहा है। और वह जैसे जैसे वहाँ से गुजर रहा है वैसे वैसे ही उसका दम घुट रहा है, उस धुएं से उसका दम भी घुटने लगा, जिससे वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया।
देखिए, उसने सोचा मेरे सभी साथी ऐसी जगह नहीं रह सकते, यहाँ तो बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तो पेड़ों पर बैठने तक की इजाज़त लेनी पड़ती है। यह सब सोचता हुआ वह अपने घर की तरफ उड़ चला। जब वह अपने घर पहुँचा और नदी में अपनी परछाई देखी तो वह घबरा गया, क्योंकि वह सफ़ेद से काला हो चुका था। अब उसे अपने आप पर रोना आ रहा था, उसके सभी साथी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसने सोचा आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं जाऊंगा और सभी के साथ मिलकर रहूंगा। ओके, अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे सभी साथी ऐसी जगह पर तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ना आप वहाँ का पानी पी सकते हो, ना आप वहाँ चैन से सांस ले सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर पेड़ पर भी बैठना है तो इनको परमिशन लेकर बैठना पड़ेगा, बिना परमिशन के ये लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो वह उड़कर वापस कहाँ चला गया, अपने घर चला गया, घर की तरफ उड़ गया, मतलब जंगल की तरफ उड़ गया। और वहाँ पहुँचकर उस नदी में उसने अपने आप को देखा, उसकी परछाई देखकर उसे क्या हुआ, वो डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि वह घबरा गया, क्योंकि वो सफ़ेद से काला हो चुका है, ओके, वाइट से टोटली ब्लैक। अब उसे अपने आप पर क्या आ रहा है, रोना आ रहा है, क्योंकि उसके सभी साथी उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये वही वाइट कबूतर है जो सबसे अलग और सुंदर था। तो उसने सोचा कि आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं जाऊंगा और सभी के साथ मिलकर रहूंगा। तो हमने इसे क्या सीखा, देखिए यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी दी हुई है, घमंड न करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता। ओके, सो आई होप सो आपको लेसन समझ में आया होगा। बाय बाय।